टक टक करके खुलवाना पड़ेगा। चैटर खुलेगा, केक मिलेगा। आज है 21 तारीख और कल है 22 तारीख। तो कल है अंशु का बर्थडे, लेकिन ये दीपक लोग आए मुरादाबाद से, तो इनने कहा हम आज ही केक लेके आते हैं, आज ही बर्थडे बना देते हैं। ये भाई इनने मेरा बर्थडे भी एक दिन पहले बनाया था। क्या कह रहे हो? रुद्रपुर से आए थे हम। बर्थडे टू यू। और ये देखो ये नहीं फूट रहा है जो लगा। बेटा तुझे खिला नहीं रहे अभी, तुझे खिलाना है। ये कह रहा है मेरे को केक नहीं खिलाओगे तो मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा, मुझे नहीं खिलाना है बोल रहा है। एक दिन पहले का प्री बर्थडे सूट और प्री बर्थडे ही बना लिया, केक कट गया। अब केक बांटते हैं बच्चों में और बर्थडे सेलिब्रेशन होता रहेगा कल तक, तो बने रहिए आगे ब्लॉग में। इनने बिल्कुल कमरा अपने सर पे उठा लिया था, इनको चाहिए पिज्ज़ा, तो हमने पिज्ज़ा मंगा लिया है। लो भैया टूट पड़ो। हाँ हाँ टूट पड़ो। अरे लेके बैठ गए निकाल। मैं नहीं खा ले, खा ले, खा ले, कोई बात नहीं। ये बर्थडे बॉय है, तू इसमें रखो यार। टूट पड़े लो। मेरे लिए कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए तो एक और मंगा रखा है, तभी तो 8-9 बजेंगे फिर तुम यहीं रुकोगे। नहीं नहीं तो ये दीपक भाई आए थे, अभी जा रहे हैं घर को। ठीक है फिर, बाय 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 बाय। Much, much, much later. तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं, कल है अंशु का बर्थडे 22 तारीख को। तो हम लोग, इनके फ्रेंड आया था मुरादाबाद से, आपने देखी हमारी वीडियो में, तो एक केक तो हमने काट ही लिया, कट चुके हैं एक। हमने सोचा था कल हमने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी अंशु बोल रहा है कि अरे मम्मी मैं तो रात को ना 12 बजे तक उठूंगा। वो खुश हो रहा है, वो सोच रहा है रात हमको केक काटेंगे रात में, लेकिन हम लोग केक लाए नहीं है, तो हमें रात में 9 बजे सेटर खुलवा के केक लाना पड़ रहा है। वो तो जानने वाले की दुकान थी, तो मैंने फोन किया, और ठंडा भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा जाओ। वो खुश हो रहा है ना, सोच रहा है कि सबका रात में काटते हैं, मेरा भी रात में केक कटेगा, तो हम लोग जा रहे हैं चलते। तो फ्रेंड्स ये देखिए रात के 9:30 बजने वाले हैं और मेहरा जी और मैं केक लेने जा रहे हैं, आगे बारात भी मेरे लिए, डांस कर लेंगे एक बार। ये है दुकान, इसको टक टक करके खुलवाना पड़ेगा। डर जाएगा। चैटर खुलेगा, केक मिलेगा। तो परेशान कर दिया ना? अरे क्या करें यार, दिमाग से उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से भी ले ले, कोई से भी ले ले। इससे पहले क्या था, पाइनएप्पल था ना? हाँ, वो मत लेना, दे दो और कोई सा भी ले दो। तो भाई देखो कैसे शटर खोल के हम आए हैं और भैया को भी परेशान कर दिया और केक ले लिया है। लेकिन भैया बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, बेचारा एक्साइटेड है वो 12 बजे के लिए। नहीं इसलिए नहीं सोचा क्योंकि एक केक ऑलरेडी हम काट चुके थे। कोई बात नहीं, बेचारा मैंने उससे पूछा अच्छे सो नहीं रहे? नहीं नहीं मम्मा मैं ना 12 बजे तक उठूंगा बोल रहा है। ठीक है चलते हैं फिर आप घर को। तो 12 बज चुके हैं और अंशु सोच रहा था कि हम इसका केक नहीं लाए हैं और इसने हम सबको बोला कि 12 बजे तक उठे रहना। मतलब ऐसा यार जिसका बर्थडे होता है वो तो उठता ही नहीं है, इसने कहा मैं 12 बजे तक उठूंगा, मेरे को मैं तुम सब मुझे मिस करना। और देखो दादू और दादी को भी उठा दिया, दादी भी आ गई। ये देखो कैसे परेशान कर रहा है अंशु सबको फोन कर करके। देखो मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ, ये देखो भैया सन्नाटा हो रखा है बिल्कुल, और रात के 12 बजे कौन उठेगा फिर। तो चलते हैं अंदर। हमने अंशु के लिए सरप्राइज प्लान किया था, ये अंशु कैसा लगा? मैं तो अभी देख रहा हूँ। कब किया? यही तो है, ये है अंशु का चॉकलेटी केक, दूसरा चॉकलेट केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। मामू थैंक यू, ये का केक। थैंक यू थैंक यू। तो बस अंशु के पास फोन पे फोन आने में लगे हैं, सो रहा है वो। खा भी रहा है और क्या कहते हैं फोन में भी लगा है। ये भी खाई नहीं रही है। अंशु यहाँ को देख, अंशु यहाँ को देख। तो बस केक काट दिया है। अंशु कैसे लगा सरप्राइज? मस्त, मैं तो यहीं पे खेल भी लगा था, बनाया कब? जब ये खेल के चला गया था सोने के लिए, उसके बाद मैं आया फिर मैंने बनाया। तो बस हाँ, और मिसेस तिवारी।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पूरा क्रेडिट मैंने ले लिया, मिसेस तिम्मू ने बहुत काम किया, ये पूरा गुब्बारे मैंने फुलाए क्योंकि ये नहीं फुला पाती है। तो बस अब रात हो गई है, 12 बज गए हैं और केक भी कट गया है। अब मिलते हैं कल, कल दोबारा से सेलिब्रेशन होगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अंशु। नेक्स्ट मॉर्निंग तो ये है अंशु का, कौन सा केक है अंशु? तीसरा केक। तो ये है कल से बर्थडे स्टार्ट हुआ है और अंशु का तीसरा केक आ गया है और ये लाए हैं भुवन चाचू। कल से तीसरा, 12 बजे कटा, दादू 9 बजे सो जाते हैं और रात के 12 बजे बर्थडे टू यू। तो हमारी शैतान पीयू भी आ गई है। हाय पीयू। हाय करे। हाय बोल, हाय बोल, हाय। आओ अंदर काम करेंगे। ये जब से आई है ना घूमने में लगी है। काम कौन करेगा? मुझे पता बारे में काम को बारे में बोलना ही मुझे पसंद नहीं है। अच्छा काम के बारे में ही पसंद नहीं है इसको बोलना। अच्छा तो यहाँ पे देखो मिसेस तिम्मू और हेमा लगे पड़े हैं। इन्होंने कमरे को कितना प्यारा सजा दिया है और ये पीयू इसने बिल्कुल काम नहीं किया है। ये जब से आई है ऐसे ही चूसने में लगी है। लेमन चूस, लेमन चूस नहीं लॉलीपॉप। ओके सॉरी, लॉलीपॉप चूसने में लगी है। ये देखो लास्ट वाला स्टार यहाँ लगा रही है। लग गया ना। कभी कुछ काम भी कर लिया करो। ओके मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं हैगा। तो यार ब्लॉग सही से सुबह से स्टार्ट भी नहीं हो पाया है और मतलब कुछ ना कुछ दिन में पूरे दिन भर होते रहा। बीच बीच में मैंने कैमरा उठाया था लेकिन ऐसी रिकॉर्ड हो रखा है। खाना वाना बनाने में फिर उसके बाद सब सजाने में तो आगे पीछे हो रहा है सर। 6.5 hours later कैसा लगा अर्सू केक? आयरन मैन वाला फिर यहाँ से रोशनी भी निकलेगी यहाँ दूर है ना, पावर निकलेंगी। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो बस बर्थडे की तैयारियाँ और सारे छोटे मोटे बड़े गेस्ट आ गए हैं और यहाँ पे देखो साक्षी जी और मामी जी द्वारा समोसे कॉफ़ी बिस्कुट और अभी जब केक कट जाएगा तो हम इसमें केक भी लगा के बच्चों को दे देंगे। हाँ बुझा दे बुझा दे। तो केक काटो देखो। कटेगा कटेगा, दम लगाओ। अरे क्यों नहीं कटेगा, काट नहीं रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा चला जाओ ना, अभी हाथों ले मुंह। अरे खाएगा खाएगा, मुंह तो ऊपर कर ले, फोटो तो दे दे पहले। अंशु ऊपर मुंह कर। हाँ हाँ पहले पीयू बोलिए, मैं खा के देखूंगी फिर भैया को खिलाऊंगी। देखो पीयू बस अब केक काट दिया है, अब अंदर केक ले गए हैं वो काट के हम सबको बांटते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Few moments later. बर्थडे अड्डे फिनिश हो चुका है, अब सब लोग खाना खा रहे हैं। कोई यहाँ पे खा रहा है, शर्मा मत, कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं एक मिनट बाद। कोई बात, दबा के खाओ। वो पूड़ियाँ हैं देखो, बचनी नहीं चाहिए। और इससे पहले यहाँ पे भी खाना खाते हैं, सब लोगों ने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मिसेस तिम्मू भी खाने के लिए बैठ गई हैं। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इतना ज़्यादा काम हो गया था सुबह से। कभी मैंने पहले छोले बनाए, फिर पनीर बनाया, फिर रायता बनाया, तो मुझे खाने का भी कुछ सुबह से नाश्ते का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं फाइनली खा रही हूँ। और मैंने जिन्हें मेरे लिए परोसा है, वाह मज़ा आ गया। तो कैसा लगा जो मैंने परोसा है वो खाना? I'm not afraid to die.
बर्थडे हो गया है, सेलिब्रेट पूरी तरह से, खाना खा लिया हम लोगों ने, खूब मजा किया, खाया पिया, डांस किया। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बाय जे व्लॉग्स।